पढ़ के बताओ। पढ़ तो सकते हो, थ्योरी ऑफ लीडरशिप एंड नेतृत्व का स्थिति प्रसिद्ध। ठीक है, सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे इसका, अर्थ क्या होता है, मीनिंग ऑफ सिचुएशनल अप्रोच, यानी कि स्थिति परक सिद्धांत, दृष्टिकोण या उपागम, इसका अर्थ क्या होता है। आपको पता है कोई भी स्थिति, कोई भी सिचुएशन कैसी होती है, आपने अलग अलग स्थितियां सिचुएशन देखी है, अभी यू आर सिटिंग इन क्लास, साइकिल की क्लास में हो, अलग सिचुएशन है, यू आर वॉकिंग इन अ वेरांडा, इज अ डिफरेंट सिचुएशन, यू आर वॉकिंग विद योर फ्रेंड हैंड ऑन द हेड शोल्डर्स, ऐसे करके आप चलते हो, डिफरेंट सिचुएशन। एंड व्हेन यू आर वॉकिंग, मधुमक्खी सत्ता आ गया, मधुमक्खी का जो सत्ता आ गया आपकी तरफ बढ़ रहा है, पहले डिफरेंट सिचुएशन, क्या करोगे आप उसमें, अलग अलग स्थिति है ना, और यू आर एक फ्रेंड के साथ, हमारे जो घटना हुई थी उस तरह से, यू वेंट टू सिनेमा, वहां पर बैठ गए साइड में, फिल्म देख रहे हो, साइड बड़ा भाई बैठा है, पता नहीं था उसको भी और आपको भी, कैसी वाला है, हमारे दोस्त थे पिक्चर देखने गए थे वो, और जाके टिकट ले ली और चोरी छुपे गए थे, बैठ के फिल्म देख रहे हैं, जब इंटरवल हुआ दो सपोर्ट पड़े, क्योंकि बाद में बड़ा भाई बैठा है, तो देट इज डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन। ठीक है, अब ऐसी स्थितियां आती है आपकी, समूह की बहुत सारी स्थितियां आती है, उन स्थितियों के अंदर जब वो स्थिति आती है उस समय कौन सी लीडरशिप थ्योरी या कौन सी लीडरशिप स्टाइल अपनाना होता है, ये सिद्धांत ये बताता है, यानी कि जैसी स्थिति वैसे ही लीडरशिप स्टाइल या नेतृत्व शैली। जो आप पढ़ के देखो, परिस्थिति दृष्टिकोण को स्थिति की मांगों के अनुसार, स्थिति की मांग क्या होती है, डिमांड ऑफ द सिचुएशन, आप किसी भी स्थिति में गुजर रहे हो, आप देखो सोचो जून की जबरदस्त गर्मी है और यू आर फीलिंग थर्स्टी और घर पहुंचना जल्दी है और गाड़ी होगी पंचर बाइक, अब देखो स्थिति की डिमांड क्या है, सिचुएशन की जो है मांग क्या है, यहाँ पर सबसे पहले मांग आपकी जुड़ है, आप पानी इतना बह सकते हो लेकिन पिछले जो बाइक का पिछला टायर है वो कहीं से पंचर लग गया, लेटेस्ट डिमांड हमारी ये। ठीक है, जब वो लग जाएगा तो पंचर वाले से पूछेंगे यार पानी भी है क्या, ठीक है, पानी पी लेंगे आराम से, दिसमीन्स जो मेजर डिमांड्स, इसी प्रकार से कोई भी जो स्थिति होती है उसी कुछ मांग होती है, कुछ डिमांड्स होती है, उनके अनुसार व्यवहार में अल्पकालिक परिवर्तन, अल्पकालिक क्या होता है, थोड़े समय के लिए, शॉर्ट टर्म, टेम्परेरी, व्यवहार टेम्परेरी बदलाव आता है, व्यवहार परिवर्तन या अनुकूलन, अनुकूलन क्या होता है, अडेप्टेशन, जैसी स्थिति जैसा माहौल उसी की तरह से अडेप्ट हो जाना, उसी की तरह से हो जाना, ऐसा हुआ कभी आपके साथ, आप अडेप्ट अनुकूलित करते अपने व्यवहार को, कोई उदाहरण दो आप बताओ, बताओ स्पोर्ट्स पर्सन, हमारे स्पोर्ट्स वाले खिलाड़ी यहां पर बैठे, बताओ अडेप्टेशन क्या होता है, चलो आप खेलते हो वॉलीबॉल खेलते हो लोग सारे सारे ऐसे अडेप्टेशन, एडवरी और तेज प्लेयर कोई आ जाए, सामने वाला बहुत ही मजबूत प्लेयर हो, स्मैश मारने वाला हो, वॉलीबॉल जानते हो ना, स्मैश मारने वाला तो क्या हो, सारे तैयार हो जाओगे, उनको कोई बोलते और रेडी एकदम साफ, साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी रेडी हो जाओगे, ठीक है ना, आपको ये है अनुकूलन, यू अडेप्ट योर सेल्फ टू द सिचुएशन, द्वारा परिभाषित किया जाता है यही है कि अल्पकालिक व्यवहार में परिवर्तन और अडेप्टेशन इस स्थिति पर दृष्टिकोण, दूसरे शब्दों में ये एक प्रकार का व्यवहारिक लचीलापन है, इट इज अ फ्लेक्सिबली बिहेवियर, जो आपका व्यवहार है वो फ्लेक्सिबल होता है, इसका मतलब क्या है, जैसा मौका, मौका परिस्थिति वाली बात यहां पर आ जाती है, जैसी सिचुएशन होगी आदमी वैसा ही व्यवहार करना शुरू कर देगा, उसी प्रकार का जहां एक व्यक्ति परिस्थितियों से उपजे संकेतों के माध्यम से अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है, परिस्थिति से उपजे संकेत का मतलब क्या होता है, देयर आर क्यूज विच इमिनेंट फॉर द सिचुएशन, मतलब कि आप जैसे समवेयर यू फाइंड योर फादर इज वेरी एंग्री टुडे, आप घर जाते हो और आपको देखते हो कि पिताजी या माँ जो है बहुत गुस्से में है, तो क्या होगा, दबे पाओ या पिछला दरवाजा या कुछ समथिंग दरवाजे को चीज आपने रखी है छुपा के पीछे पीछे करके एंट्रेंस साइड, ये क्यूज होते हैं,
ऐसा होता है, आप देखो सुबह एंटर द कॉलेज, सुबह दो तीन मास्टर रोज बैठे मिलते हैं आपको कुर्सियों पे, ठीक, क्या करते हो पहले आइडेंटिटी कार्ड डाल लेते, और वन डे यू फाइंड नो इज सिटिंग अराउंड स्कूल पर आइडेंटिटी कार्ड यहाँ गले में और चाहे पे हो नो डी केयर्स, देखा आपने ना, यानी परिस्थिति से निकलते हुए संकेत, वहां पर कोई बैठा हुआ टीचर आके देख रहा है तो प्रश्न निकाले यहां तक गले बना के चल दिया, देखा आपने ना, दीज आर द क्यूज, कुछ ऐसी संकेत होते हैं जो परिस्थितियों से निकलते हैं और इनके माध्यम से हम हमारे व्यवहार में परिवर्तन करते हैं कोई परिस्थिति परिदृष्टि को, ये इसका भी है। चलो नेक्स्ट, अब इसमें इंग्लिश में अच्छे करो किसी के लिए, एनीवन इंटरेस्टेड, नो नो देन मूव नेक्स्ट। अब ये क्या आ गया, परिस्थिति से डाल दृष्टिकोण या उपायों नेतृत्व का जो पहले मैंने बात की है वो इसका अर्थ था, वो क्या उसको कहते क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ये है एक्चुअल में लीडरशिप का सिचुएशनल थ्योरी यानी परिस्थिति पर सिद्धांत दृष्टिकोण। या इससे पहले जो मैंने आपको डिस्कस किया उसमें कोई प्रश्न किसी का, एनी डाउट, उसका अर्थ समझ जाएगा ना, जैसी स्थिति वैसा व्यवहार, अल्पकालिक व्यवहार में परिवर्तन या अनुकूलन या स्थिति से निकलते हुए कुछ जो संकेत है उनके अनुसार व्यवहार करना परिस्थिति पर दृष्टिकोण। नेक्स्ट देखो, इसका जो सिद्धांत है इसके कुछ हर सिद्धांत के हर बात के कुछ घटक होते हैं, घटक समझते हो आप, मैंने कई बार एक्सप्लेन किया है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स, घटक होते हैं कुछ कंपोनेंट्स, जैसे बताओ एग्जांपल बताओ कोई घटक के, वायुमंडल घटक हो गए, बताओ क्या क्या घटक होते हैं वायुमंडल के, गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स, ये सारे वायुमंडल के घटक है, जिन चीजों से मिलकर कोई एक चीज बनती है, आपकी बुक है पुस्तक है इसके घटक देखो, इंक है, पेजेस है, एक पिन लगी होगी ऊपर कवर लगा हुआ है, सारे घटक कंपोनेंट्स, ये किसी तरह से हानी कोई क्वेश्चन किसी को सवाल से आई, लचीलापन, लचीलीपन के साथ अनुकूलन, ये क्या चीज है, इस सिद्धांत का अंतर्निहित, अंतर्निहित क्या है उसके अंदर ही है, और केंद्रीय सेंट्रल कंपोनेंट है, यानी कि व्यवहार में लचीलापन और व्यक्ति का अनुकूलन, ये दो चीज इंपॉर्टेंट है, यानी केंद्रीय घटक माना जाता है किसका, बताओ नेतृत्व के स्थिति पर सिद्धांत का, यू टू बी पार्टिसिपेटिव, आपको भी तो पार्टिसिपेट करना डिस्कशन में, ऐसे थोड़े, इस सिद्धांत का नाम डॉक्टर पॉल हर्सी और केनेथ ब्लैकगार्ड के नाम पर पड़ा था, क्योंकि इन्होंने इस लीडरशिप स्टाइल को, इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया था, और वो कहते हैं कि जिसका नाम इसको, इस थ्योरी को, सिचुएशनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप को, हर्सी ब्लैकगार्ड परिस्थिति परक नेतृत्व सिद्धांत भी कहते हैं, यानी हर्सी ब्लैकगार्ड सिचुएशनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप, ये इसको कहते हैं, पहले इसको क्या कहा जाता था, नेतृत्व का जीवन चक्र सिद्धांत, लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ लीडरशिप, लेकिन बाद में 1970 में इसका नाम बदल के उन्होंने परिस्थिति नेतृत्व सिद्धांत रख दिया। ये कहते हैं दोनों डॉक्टर हर्सी और ब्लैकगार्ड, ये कहते हैं कि कोई एक प्रकार का जो लीडरशिप स्टाइल है ना वो हर समय काम नहीं आता है, आपने मान लीजिए एक लीडरशिप स्टाइल ले लिया डेमोक्रेटिक, कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है आपको ऑटोक्रेटिक स्टाइल अपनाना पड़ता है, लिसिस फेयर अपनाना पड़ता है, या क्रेस्पेंटी को अलग चीज है, तीनों में से कोई ना कोई अपनाना पड़ता है, वो कह रहे हैं कि एक लीडरशिप स्टाइल एक समूह के लिए हर समय हर स्थिति के लिए फिट नहीं बैठता है, तो क्या फिट बैठता है, वो कहते हैं कि इससे अच्छा है कि सिचुएशनल हो, जैसी स्थिति हो वैसे लीडरशिप स्टाइल हो, इसीलिए इस थ्योरी को सिचुएशनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप कहा जाता है, समझ गया आप, एनी डाउट अब तक जो मैंने बताया है, ये इंग्लिश में है, अडेप्टेशन फ्लेक्सीबिलिटी जो बात कर रहा था, लचीलापन और अनुकूलन, अब आप देखेंगे परिस्थिति पर नेतृत्व का अर्थ क्या होता है, ये कहते हैं ब्लैकगार्ड और हर्सी कहते हैं सही लोगों के लिए सही नेतृत्व शैली, यहां पर सही लोगों का मतलब यहां पर है जैसा ग्रुप होगा जैसा समूह होगा वैसा ही नेतृत्व चुना जाएगा। अब आप खुद देखो, आप हो यू आर इन बी एस सेकेंड ईयर कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, आपको लेक्चर देने का तरीका हमारा अलग है, यहीं पर अगर दूसरी क्लास के बच्चे बैठे होते तो इसको अगर हम ऐसे चलाते तो वो इधर नहीं देखते, इधर देखते क्या क्या चल रहे हैं, क्या क्या चल रहे हैं, अब फिर पूछेंगे सर आप कैसे दबा रहे हो, कैसे आ रहा है सर, पढ़ा कुछ और है ना, उसको हरा सकते हो कैसे नहीं, कोई उसमें उठ के आ जाए कोई डाल देगा दूसरी क्लास में, अभी सीन है, तो
उनके समय ऐसे लीडरशिप स्टाइल ऐसे इस तरह नहीं पढ़ा सकते आप। उनको पढ़ाना है तो उनको पहले आधा घंटा बताना पड़ेगा देखो ये प्रोजेक्टर है, ये कंप्यूटर है, इसको ऐसे चलता है, उसमें 10% फिर पूछ लेंगे वो बताना वो कोई क्या करेगा। फिर कोई जैसे इसके साइड से तारदार है उसको खेलना शुरू कर देगा मोड़ मार के, देखा हमने ना। तो वहां पर जो है जो छोटे बच्चे होंगे वहां पर जो नेतृत्व शैली अलग होगी। ठीक ठीक है ना कि सही लोगों के लिए सही नेतृत्व। इस सिद्धांत के अनुसार सबसे अच्छी नेतृत्व शैली वह होती है जो तात्कालिक परिस्थिति का अनुरूप हो। ये पॉइंट कह रहा है क्या करें कि जैसी स्थिति होगी वैसी नेतृत्व शैली हम चुनेंगे तो वही बेस्ट निकले, ये कह रहे हैं। यह सिद्धांत परिस्थिति की जटिलता को ध्यान में रखते हुए नेतृत्व शैली के चुनाव पर बल देता है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिचुएशन, परिस्थिति की जटिलता क्या होती है। आप देखो कि यू आर सिटिंग कामली आराम से बैठे हो, कोई जटिल स्थिति नहीं है। अब जटिल स्थिति क्या है, बाहर जो है पुलिस के सामने मान लिया जाए दो ग्रुप स्टूडेंट्स के दे आर फाइटिंग विच ईच अदर, लड़ चल रहे हो। अब वहां जाके मान रहे थे बोलू भाई मैं टीचर उधार मेरे को एक पड़ेगा, वहां की स्थिति अलग है ना। आई कैन नॉट टेल देम कि भाई मैं यहाँ के टीचर तुम मेरे फैसला कर रहे हो, भीड़ भाड़ में लट बचते हैं वहां पर ना कोई ठंडा होता ना कोई प्रोफेसर होता है, नोबडी केयर्स, ऐसा होता है ना। तो उस समय हमें जो है उसने जटिलता, वो स्थिति बहुत ही जटिल है, इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है ना। जब सबसे बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन कब आती है, सास और बहू लड़के और लड़का खड़ा खड़ा देख रहा हूँ उसकी तरफ बोलो उस तरफ बोलो। तो बेस्ट सिचुएशन सजेस्टेड जो है एक्सपीरियंस लोग हमें बताते हैं, जब ऐसी स्थिति आ जाए व्हेन योर मदर एंड योर वाइफ दोनों हाउ हॉट डिस्कशन चल रहा हो तो बेस्ट सिचुएशन क्या होती है, धीरे से खिसक लो यार। व्हेन दे जब सिचुएशन के कूल हो जाए तब आओ आप, तब आप लीडरशिप दिखाओ। तो ये इसी प्रकार से होता है जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिचुएशन। इस प्रकार की शैली का सबसे अच्छा उदाहरण होता है स्पोर्ट्स की टीम, जैसे मैंने जिक्र कर रहा था जो स्पोर्ट्स की टीम होती है उसमें ये परिस्थिति नेतृत्व की जरूरत हमें पड़ती है। क्यों, आप देखोगे क्रिकेट का गेम चल रहा है कई बार तो क्या होता है कि मैच जीत रहे होते हैं तो कैप्टन आराम होता है कोई, जैसे थोड़ा बहुत रिलैक्स हो जाता है तो पता लग जाएगा नहीं नहीं एक विकेट गिर गया पड़ा, फिर सारे सावधान हो जाएंगे। डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन हर सेकंड बदलता है, फुटबॉल की टीम है, हॉकी की टीम है, बास्केटबॉल की टीम है, दे आर प्लेइंग, इसी हर समय हर सेकंड में स्थिति बदलती रहती है। तो स्थिति बदलती रहती है तो नेतृत्व का स्टाइल तुरंत कैप्टन को बदलता है, कभी ढीला होगा कभी बहुत टाइट होगा, कभी किसी को बाहर निकाल दिया कि अच्छा निकलेगा कड़ा, कभी नहीं आ जाया जाए आपको बदलता है। ये ज्यादा सिचुएशन स्पोर्ट्स की टीम में सबसे ज्यादा ये सिचुएशन पाया जाता है क्योंकि जो घटनाक्रम बहुत तेजी से बदलता है। एनी क्वेश्चन अभी तक, कुछ कारक होते हैं या सर्टेन फैक्टर्स जो ये भूमिका निभाते हैं कि नेतृत्व शैली कौन सी हो, उसका चयन कैसे किया, किस स्थिति में कैसी नेतृत्व शैली का चयन किया जाए, इसके लिए कुछ कारक होते हैं वो अपनी भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले तत्कालिक कार्य तथा स्थिति की मांग, ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो समूह है उसका तुरंत काम क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है और उसके साथ साथ उस स्थिति की मांग क्या है, डिमांड क्या है। स्थिति से उत्पन्न संकेत, संकेत भी आपको यह बताते हैं कि यहां पर किस प्रकार के नेतृत्व शैली होनी चाहिए। समूह व्यवहार और समूह का आकार, समूह किस प्रकार व्यवहार कर रहा है और उसका आकार कितना है, अगर छोटा है समूह तो आप थोड़ा दूसरा स्टाइल अपना सकते हो और अगर समूह बहुत बड़ा है तो आपको स्टाइल भी बदलना पड़ेगा, लीडरशिप स्टाइल। सदस्यों के बीच समन्वय का स्तर, समन्वय क्या होता है भाई बताओ, समन्वय क्या होता है, तालमेल, सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन, एक ही चीज है। यानी समूह के जो सदस्य होते हैं जो फॉलोअर्स होते हैं जितने भी हमारे फॉलोअर्स होते हैं सारे हम, तो उनके बीच में आपस में कितना तालमेल है, ठीक, वो भी फैक्टर है, कारक है जो हमें ये बताता है कि किस प्रकार की नेतृत्व शैली हमें अपनानी चाहिए। सदस्यों की जरूरतें, जरूरत क्या है, किस लिए कोई सदस्य किसी समूह का सदस्य बना है कोई व्यक्ति, ठीक, वो जरूरतें। सदस्य और नेता के बीच संबंध, व्हाट द रिलेशन, किस प्रकार का संबंध है नेता के बीच में और सदस्यों के बीच में, ये चीज भी बताता है कि हमें किस प्रकार की नेतृत्व शैली का चयन करना है। और कार्य की जटिलता का स्तर, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, आईटी जहां चल रही होती है, जहां जहां शादी का माहौल है, जहां जहां पार्टी चल रही होती है, तो वहां पर अलग अलग स्थितियां होती है, तो जटिलता भी ये फैसला करती है कि किस प्रकार से हमें लीडरशिप स्टाइल को फॉलो करना है। सदस्यों की परिपक्वता का स्तर, मेच्योरिटी लेवल, मेच्योरिटी लेवल समझते हो ना,
कि कोई चीज है, जैसे कि आप एग्जाम्पल देता हूँ, सिंपल एग्जाम्पल है, तो छोटा बच्चा इज हंग्री, जब वो हंग्री है शायद स्टार्ट क्राइम, जब आप भूखे तो दाबे होते हो, ये डिफरेंस है। वाई इज डिफरेंस, ऐसा क्यों है? मेच्योरिटी है, आपको पता है कि खाने के लिए रोना बेवकूफी है, आपके लिए बच्चे के लिए नहीं, उसको आप नहीं कहोगे बात क्यों रहे आप, बोल ही दे मुझे, है ना, तो ऐसा नहीं कह सकते हम उनको। ये परिपक्वता एक बात आती है, और अंत में है अनिवार्यों की क्षमता और प्रतिबद्धता, यानी जो आपके लीडर्स के जो फॉलोअर्स है उनके अंदर कितनी कैपेसिटी है, एबिलिटी है, और उनकी प्रतिबद्धता किसी काम करने में, अगर कोई काम उसको करना है वो कह दिया जाए कितना वो काम करने के लिए तत्पर रहते हैं, ये प्रतिबद्धता आती है। ये जो कुछ शैली को चयन करने वाले कारक जो प्रभावित करते हैं, दिस वर्क गिवन इन इंग्लिश, इसी कुछ विशेषता देखिए आप, परिस्थिति फर्क देते तो शैली की सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिचुएशन टाइप ऑफ लीडरशिप। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? अंतर्दृष्टि, इंट्यूशन या इनसाइट। नेता अपने नायों के दोस्तों को समझने में सक्षम होना चाहिए। एक लीडर को ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो उसके अनुयायी है, उसके फॉलोअर्स है, या उसके समूह के सदस्य है, ग्रुप मेंबर्स है, उनकी क्या क्या जरूरतें हैं। ठीक है, हैव यू सीन, ऐसा कभी आपने देखी सिचुएशन जहां पर किसी नेता ने ऐसा आपको इंसिडेंट दिखाया हो कि वो आपकी जरूरत को समझ गए हो? नहीं हुआ ऐसा? इट इज डेली अकरिंग इन योर होम, आपके घर में, योर मदर इज योर लीडर। ठीक है, आप फटा सा मुंह बना के जाना, आज तुरंत पूछे क्या हुआ बेटा, पूछेगी बस, तो बिट इज यू डोंट रिस्पेक्ट योर मदर। माई द ओनली बेस्ट लीडर इन दिस वर्ल्ड, मदर इज द ओनली लीडर इन द वर्ल्ड, वो जो अपने आंखों से पहचान लेती है कि कुछ हुआ, पिटकी आया है, पिटकी आई है, जूता खा के आया कि नहीं। यस, शी इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट लेडी, मतलब जो मदर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उसको पता चल जाएगा आपके शरीर में अगर कहीं चोट भी लगी है तो आपके चलने के स्टाइल से थोड़ी देर बाद बता देगी हाँ क्या बात हुआ, क्या हुआ। शी इज वेरी इंटेलिजेंट, आपने ध्यान दिया होगा कि, और कई बार ऐसा नहीं है कि आपके बात का मदर को पता नहीं चलता है, कई बार जब आप कोई गलत काम करके आते हैं तो वो आपको उनको बता जरूर चल जाता है, लेकिन वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, कोई कर लेते हैं, इसलिए कभी कभी ना आप इस चीज के बारे में गलत फहमी हो जाती है कि आज तो छुपके से घुस गया, पता नहीं चला, समझे आप इस चीज को, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो चीज डेली आपकी जरूरतों को समझ जाती है, क्या जरूरतें हैं बताओ, नहीं जरूर समझते हो तो 100% है, आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तब देखना। लचीलापन, नेता स्थिति के अनुसार ये तो चीज नेतृत्व शैली को चुनने में सक्षम होना चाहिए, नेता के अंदर ये गुण होना चाहिए कि ये स्थिति है इसे कैसा व्यवहार करना है। योर फादर इज मोर प्रोमिनेंट इन दिस सिचुएशन, मोर इंटेलिजेंट फादर, ये रोल की बातें। लचीलापन, खेत में से अगर गद्दा मंगवाना हो ना, उसका मक्का का कटवा के मंगवाना हो, तो आपको पापा अलग अलग तरीके से बोलेंगे, और जब आपसे पढ़ाई में आपके नंबर कम आए हो तब देखो आप कैसे बोलेंगे, है ना। इज वेरी उनके अंदर व्यवहार बड़ा लचीलापन होता है, फ्लेक्सीबिलिटी। कभी ऑब्जर्व किया आपने? अभी ऑब्जर्व नहीं, नहीं जिस बार ऑब्जर्व कर लेना। भरोसा, नेता में और अनुयायियों का आपस में एक दूसरे पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए और ट्रस्ट होना चाहिए दोनों, बहुत जरूरी है। जब तक ट्रस्ट की बात नहीं होती है तब तक नेतृत्व शैली में या नेतृत्व में कोई खास आउटपुट नहीं आती है। समस्या समाधान, प्रॉब्लम सोल्वर, लीडर मस्ट बी एफिशिएंट प्रॉब्लम सोल्वर, यानी कि जो समस्या आती है उसको समाधान करने में उस नेता के अंदर ही गुण होना चाहिए। जो नेता अच्छे से समस्या समाधान नहीं कर सकता है उसको लोग जल्दी चुनते नहीं, प्रॉब्लम तो सभी के साथ आती है ना, बट उसकी समाधान ढूंढने वाला होना चाहिए। और लास्ट में है मूल्यांकन करता, यानी कि नेता अपने अनुयायियों की परिपक्वता, कितने मैच्योर हैं और योग्यता का सटीक मूल्यांकन करने में सक्षम होना चाहिए। बिहार में बहुत सारे एक नेता रहे, उन्होंने बड़ा सा अपनी परिपक्वता और योग्यता का अच्छा मूल्यांकन किया था, मैंने आपको पहले बताया था कि कैसे उन्होंने उस मशीन का इस्तेमाल किया था, बताते हैं इस स्टडी में डिस्कस इट, कैसे वो बिजली और करंट लगने वाली बात है ना, वो परिपक्वता उनको पता था कि दे आर पुअर पीपल, इन्होंने कभी कुछ जाना ही नहीं बेचारों ने, तो इनकी इसलिए उनकी मेच्योरिटी नहीं है, उनको इतना गुरु बना लो आप। एंड सिमिलरली देयर वाज डिफरेंट लीडर, बहुत सारे लीडर ऐसे रहे हैं जिन्होंने जान लिया कि ये इनके अंदर कितनी मेच्योरिटी है, वो उसी तरह से व्यवहार करते हैं। चलो नेक्स्ट, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिचुएशनल लीडरशिप स्टाइल, अगर किसी इंग्लिश में लिखने हो, इनसाइट, फ्लेक्सिबिलिटी, ट्रस्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इवेल्युएटर। और इसके अलावा क्या क्या सिचुएशनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप के
एडवांटेजेस क्या क्या है। सबसे पहला एडवांटेज देखो, इससे लचीलापन होता है। लचीलापन क्यों होता है कि जैसी स्थिति वैसी लीडरशिप स्टाइल, तो इसमें क्या लचीलापन होने के कारण विफलता की संभावना अपेक्षाकृत कम होती है, फेलियर की समस्या इसमें काफी कम होती है क्योंकि लचीलापन होता है। अब जैसे आप देखो, आप आज आपका मूड नहीं है और मैं शुरू कर दूं पढ़ाना, तो सफलता कम मिलेगी, लेकिन आपका मूड है और मैं पढ़ाना शुरू करता हूं तो उसमें ज्यादा सफलता मिलेगी। इसलिए लचीलापन होना चाहिए, टीचर शुड नॉट बी रिजिड, ठीक। तो इसीलिए इसमें अगर लचीलापन होता है तो उसके अंदर विफलता की संभावना अपेक्षाकृत कम होती है। ये एक प्रकार की शैली होने वाली ऊपर काबू पाने में मदद करती है। अगर शैली आपको हम आए और एक ही तरीके से पढ़ाए कि किताब ले लो बैठ जाओ, जिसने नहीं आता खड़े हो जाओ, तो कड़क कड़क काम नहीं आउट, ये रोज ऐसे करो तो क्या होगा, वो बोले पीपल विल फेल, है ना, मोनोटोनी हो जाती है ना, वो लगती ना। तो एक प्रकार की शैली होने वाली ऊपर नीच काबू पाने में मदद करती है सिचुएशन स्टाइल, ठीक है। नेक्स्ट दूसरे देखो, किसी एक प्रकार की नेतृत्व शैली से उत्पन्न कमियां। अगर एक ही तरीके की कोई नेतृत्व शैली है, और कमी तो सभी में होती है, क्या होता है अगर एक ही तरह की नेतृत्व शैली का रोज इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा, वो कमियां बनी रहेगी उन पर। वो अलग अलग शैली का अगर हम चुनते हैं तो वो कमियां अपने आप दूर हो जाएंगी। और यह शैली नेता को वास्तविक समय रियल टाइम बिहेवियर के आधार पर सोचने के लिए प्रेरित करती है, मोटिवेट करती है। क्या हो गया भाई, लास्ट रिकॉर्डिंग के लिए कोई बात नहीं, नेट पे जाएगी, लास्ट 10 मिनट से आई ऑब्जर्विंग हूं, अगर पढ़ लिया नहीं तो यू कैन गो। मैंने बोला हुआ भाई, इफ एनीवन फील्स लाइक टू लीव द क्लास, बिना पूछे जा सकते हो, डिस्टर्ब ना करो अपने आप, आई एम ऑब्जर्विंग हूं। ये मत सोचना कि रिकॉर्डिंग चले तो कुछ बोलेंगे नहीं, ये कुछ नहीं, डिलीट कर देंगे इसको, बट बी वेरी अटेंटिव, अगर पढ़ना है तो नहीं तो आप जा सकते, ठीक है, मुझे कोई इस चीज का नहीं। किसी एक पर ये बता दें, ये से लेता हूं वास्तविक समय रियल टाइम बिहेवियर, यानी जब आप नेता क्या देखता है सिचुएशन में, रियल सिचुएशन क्या हो रही है और उसी के हिसाब से व्यवहार करता है, तो यह नेता ये सारे नेता को वास्तविक समय के आधार पर सोचने के लिए प्रेरित करती है, उसको मोटिवेट करती है कि अगली सिचुएशन क्या है, और ऐसा वो सोचेगा वैसे ही शैली को चुनता है, क्योंकि प्रत्येक स्थिति अद्वितीय होती है। अद्वितीय होता समझते हो आप, यूनिक, कोई भी स्थिति कोई भी सिचुएशन एक जैसी नहीं होती, हर रोज हर आपकी क्लासरूम की स्थिति भी क्लासरूम भी जो है, और योर लाइफ इज जस्ट लाइक ए रिवर, एक नदी की तरह है, क्योंकि नदी नहर का पानी हर मोमेंट बदलता रहता है, बदलता है, थोड़ी देर आपने टच किया आंगुली उठाई जब तक दोबारा टच करोगे वो चला जाएगा, हैव यू सीन दैट। इसी प्रकार से ईच एंड एवरी सिचुएशन इज यूनिक एंड विच ईच सिचुएशन हैज इट्स ओन क्यूज, इसके बताता है कि अलग अलग अद्वितीय होती है। नेक्स्ट देखो, आप उपयोग करने और अभ्यास करने में ये शैली आसान होती है, सिचुएशन टाइप लीडरशिप इज वेरी इजी यूटिलाइज करो एप्लीकेशन में, क्यों, आप जैसी स्थिति होगी उसके हिसाब से इस्तेमाल करेंगे, इट इज बिकम्स वेरी इजी। नेक्स्ट, ये आपका एडवांटेजेज है इंग्लिश में। लास्ट पॉइंट इसमें आता है, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, या इस शैली की कमियां भी होगी, ऐसा नहीं कि सारे इसके फायदे फायदे हैं, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, कुछ कमियां क्या क्या है। पहली बात ध्यान दो, आप समूह के तत्काल लक्ष्यों और उद्देश्यों पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित होने की वजह से दीर्घकालीन लक्ष्यों पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया जाता है। क्या होता है इसमें, सिचुएशन के हिसाब से नेता यह फैसला करता है कि कौन सी नेतृत्व शैली इसको अपनानी, क्योंकि वो सही है, लेकिन जब लॉन्ग टर्म गोल है ग्रुप के समूह, जिस काम के लिए समूह बना था वो समूह उसकी तरफ उनका ध्यान कम जाता है, क्योंकि सारा ध्यान उनका रियल टाइम बिहेवियर पर लगा रहता है, ठीक। पहली डिसएडवांटेज की है। दूसरी है, नेतृत्व शैली का चयन नेता के अवलोकन और निर्णय पर निर्भर करता है, जो सब्जेक्टिव या व्यक्तिपरक हो सकती है। ये अवलोकन क्या होता है, ऑब्जर्वेशन, नेता ही तो फैसला करता है कि किस प्रकार की नेतृत्व शैली इस्तेमाल करनी है, और किसी से फैसला करता हो, कोई कंप्यूटर या कोई बहुत बड़ी मशीन भी तो होती नहीं, लग घुमा देगा पता चल जाएगी शैली इस्तेमाल करनी है, क्या अपने आप को ऑब्जर्व करता है आजकल मूड कैसा है, ठीक है। और वो क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है, व्यक्तिपरक, व्यक्ति की जैसी सोच होगी जैसा खुद का मूड होगा उसके हिसाब से डिपेंड करेगा, उसमें भी ये कई बार इसमें एक कमी पाई जाती है। नेक्स्ट देखें, अनुयायियों की परिपक्वता स्तर को मापना और उसका सटीक मूल्यांकन करना काफी जटिल कार्य होता है। अब आप देखेंगे कि मैच्योरिटी लेवल को नापना, नेता कैसे माप पाएगा मैच्योरिटी लेवल, सभी
सदस्यों का, और इसको चलो मापने की कोशिश भी करें तो कोई भी ऐसा कोई भी स्टूडेंट अभी तक नहीं बना है जो कि बिल्कुल सही तरीके से बता दे कि आप में कितनी मेच्योरिटी इसमें मेच्योरिटी सभी में किसी मेच्योरिटी नहीं होती है नहीं। तो ये सबसे काफी कॉम्प्लेक्स काम होता है, जटिल कार्य होता है। और लास्ट देखते हैं आप इसकी डिसएडवांटेज, व्यक्तित्व शैली में निरंतर बदलाव के कारण व्यक्ति है नेतृत्व संबंधी नहीं पूछा गया, क्योंकि इस स्थिति में दूसरा नेतृत्व शैली, उस स्थिति में दूसरी शैली, इस तरह से क्या होता है वो शैली हमेशा बदलती रहती है और व्यक्ति मास्टर नहीं हो पाता किसी चीज में, वो पूर्ण रूप से कुशल नहीं हो पाता। अगर वो कुशल नहीं हो पाएगा तो बहुत अच्छे से अपने काम को वो नहीं कर पाता। दिस वाज द एडवांटेजेस ऑफ योर सिचुएशनल स्टाइल ऑफ लीडरशिप। ये किसमें है किसी को नोट डाउन है तो बताते हैं आपको, ये चलो इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। फोकस इज ऑन इमीडिएट गोल, तो तुरंत जो लक्ष्य होते हैं, तुरंत लक्ष्य क्या होते हैं, सबसे पहला इसमें है समूह केंद्रित ये शैली होती है, और आपके जो समूह के जो सदस्य होते हैं उनकी क्या क्या जरूरतें हैं उनको शैली पूरा करती है, यानी जो मेन पहले इमीडिएट काम क्या करना है उस पर ध्यान देते हैं इमीडिएट गोल पे, एंड इन दिस प्रोसेस दे जियोपराइज द लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ द ग्रुप। एग्जाम्पल ले लो, मान लिया जाए आपने अपने घर में कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन छोटा सा फंक्शन आपने तैयार किया है, वो फंक्शन होना है, उस फंक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है कि आपको वो पूरा करना है समय, लेकिन आप क्या करोगे शुरू में देखोगे कि पहले आपने घर की तैयारी करनी है। अब सिचुएशन स्टाइल में क्या होता है कि आप घर की तैयारी में लग जाओगे और जो मेन फंक्शन है उसमें भूल जाते हैं, उसको किस तरह से सक्सेसफुली अचीव करना है वी फोरगेट दैट एंड दिस इज एंड फोकस ऑन इमीडिएट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव द ग्रुप जियो प्रायोरिटाइजिंग दी लॉन्ग टर्म गोल्स। जो मुख्य ग्रुप का मुख्य समूह का जो उद्देश्य था उसको भूल जाते तो कम ध्यान दिया जाता है। इज द फर्स्ट एडवांटेज। एनी अदर क्वेश्चन भाई किसी का बताओ, आगे जो स्लाइड कोई बात इसका तुम लोग इंतजार करते हो। रेफरेंसेस ये जो मैंने जो भी आपको दिखाए थे ये सारे फाइल से मैंने लिए हैं, इसको आप नोट कर सकते हो या इसको जाके आप देख सकते हो वेदर आई हैव टेकन करेक्ट और नॉट ये जो थे। एंड अगला लेक्चर हमारा क्या होगा ये मैंने करा दिया आपको, इंट्रेक्शन थ्योरी ऑफ लीडरशिप संवादात्मक या अंतक्रियात्मक सिद्धांत मैंने आपको करा दिया। तो दिस वे इस तरह से हमारा लीडरशिप थ्योरीज के तीनों थ्योरीज हमने आपसे कंप्लीट कर दी। पहली क्या थी ग्रेट थ्योरी, सेकंड क्या है इंट्रेक्शन थ्योरी मैंने की है, और थर्ड मैंने की आपके यहाँ सिचुएशन थ्योरी, सिचुएशन का मैंने अर्थ आपको बताया है, मीनिंग क्या है इसका, फिर सिचुएशन थ्योरी ऑफ लीडरशिप क्या है ये मैंने आपको बताया है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिचुएशन थ्योरी ये मैंने आपको बताया है, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ सिचुएशन थ्योरी ऑफ लीडरशिप। दिस वे वी आर कंप्लीटिंग यूनिट नंबर टू, फर्स्ट सेकंड और थ्री यूनिट हमारी कंप्लीट है। टुमारो ऑनवर्ड्स विल स्टार्ट यूनिट नंबर फोर। कोई क्वेश्चन भैया आपका? नो सर। एनी क्वेश्चन क्वेरी कोई? चलो ठीक है, ओके भाई, थैंक यू।